शेयर बाजार में आज निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली, वैसा ही कुछ खेल आज ओला इलेक्ट्रिक में भी देखने को मिला। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर आज अपने डे लो से 12% चढ़ गए। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, मुनाफा वसूलियां में देखने को मिल रही थी, लेकिन इसमें सोमवार के सत्र में बड़ा खेल होते दिखा। पूरी खबर आपको समझाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में सोमवार के शुरुआती कारोबारी सत्र में गिरावट देखी जा रही थी, 5% से ज्यादा लुढ़क गया था ये शेयर, लेकिन फिर इसमें तेज रिकवरी भी देखी गई। अपने डे लो यानी कि 103.50 से ये 12% से ज्यादा चढ़कर 116 को इसने टच कर लिया। यहाँ आप बता दें कि सोमवार को ओला इलेक्ट्रिक की एक महीने की लॉक इन पीरियड समाप्त हो गई, क्योंकि स्टॉक 9 अगस्त को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था। आईपीओ में एंकर निवेशकों के लिए लॉक इन पीरियड 50% आवंटित शेयरों के लिए 30 दिन के लिए है, और बाकी जो 50% है वो 90 दिनों के लिए है। देखिए, बता दें कि कंपनी के शेयरों की 9 अगस्त को फ्लैट लिस्टिंग हुई थी, इसके बाद स्टॉक में जमकर खरीदारी देखी गई और 20 अगस्त को इसने 157.53 रुपए के रिकॉर्ड हाई को छू लिया। हालांकि अब ये शेयर अपने हाई से करीब 30% से ज्यादा टूटा है, यानी कि इतने दिनों में ऑल टाइम हाई से ये 157.40 से ये 30% से ज्यादा टूट कर इसने आज हालांकि रिकवरी दिखाई है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से 30% नीचे कामकाज कर रहा है। एनालिस्ट्स ने बड़े पैमाने पर निवेशकों को शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक से बचने का सुझाव दिया है। देखिए, बाजार विशेषज्ञ खुश जी ने बिजनेस टुडे को बताया कि इस उछाल से बचना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए निराशाजनक हो सकता है। बिस्तक को अरुण केजरीवाल मार्केट एक्सपर्ट ने बताया था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन ये फिलहाल एक सीमित दायरे में कामकाज करता दिखेगा और फंसता दिखेगा। श्रेया, तीन चीज समझनी चाहिए इस कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी जब इश्यू लेकर आई थी, 75 रुपए में इसकी इश्यू थी या 76 रुपए की थी, माफ कीजिएगा मुझे पक्का नहीं याद है, 75 था कि 76 था, लेकिन अगर आप देखें तो उस समय इश्यू में दिलचस्पी बहुत थी, लेकिन कई तरह के व्यूज थे बाजार में कि क्या इसे सब्सक्राइब करना चाहिए या क्या इसे सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। रिस्पॉन्स अच्छा रहा, फ्लैट लिस्टिंग होने के बाद में ये शेयर लगातार 7-8 दिन तक बढ़ता रहा। पहले 2-3 दिन तो सर्किट भी लगा। अब आइए, इसने जो जून तिमाही के जो नतीजे दिए उसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया प्रदर्शन में। कंपनी का जो एबिटा लॉस था उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद सितंबर क्वार्टर में एबिटा लेवल पे ये कंपनी पॉजिटिव हो सकती है। अब आइए आगे, आपको इसमें क्या न्यूज फ्लो चाहिए? आपको इसमें न्यूज फ्लो चाहिए कि देखिए, मोटरसाइकिल इसने अनाउंस कर दी, उसकी आपको प्रोटोटाइप बता दी, प्राइस बता दी, और इसकी जो मोटरसाइकिल की प्राइस है काफी डिसरप्टिव प्राइस है। बेस मॉडल 75,000 रुपए का है, उसके बाद 1,00,000 के कुछ ऊपर भी है, और जो प्रीमियम मॉडल है वो 2,50,000 रुपए का है। जब इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी में अभी भी 1 साल 2 महीने की लगभग अवधि बाकी है, तो लोग ये देखना चाहते हैं कि इसको कितनी बुकिंग मिलेगी, और जब ये बुकिंग देकर गाड़ी डिलीवर करने लगेगा तो उस समय इस गाड़ी की रिस्पॉन्स क्या आएगी। दूसरी खबर ये है कि अप्रैल से जो गाड़ियां ये डिलीवर करेगा, 2-व्हीलर ईवी जो शुरू में डिलीवर करेगा, उसमें इसकी खुद की बैटरी जो भारतवर्ष में बनी है 4680 जिसका मॉडल नंबर है, वो कैसा प्रदर्शन देती है और कैसा करती है, क्योंकि ये बैटरी कंपनी के लिए, ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक गेम चेंजर होगी। आज के दिन बैटरी बन रही है, टेस्टिंग में जा रही है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी टेस्ट हो रही है, लेकिन इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। अगर आप मेरी मानो तो मुझे ये लगता है कि जब ये सब कुछ अगले 6 महीने में पूरा होकर एक ईवी जिसमें इसकी खुद की बैटरी है ये बाजार में लॉन्च करके इसकी एक्सेप्टेंस होने लगेगी, तब इस शेयर की ट्रू प्राइस आपको मिलेगी। तब तक ये एक सीमित दायरे में
चाहे आप 100 रुपए की बात कीजिए निचले स्तर पे या 95 रुपए की कीजिए और ऊंचले स्तर पे 115 की बात कीजिए, इसी स्तर पर ये शेयर घूमता रहेगा, मोमेंटम अच्छा रहेगा, वॉल्यूम अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों को देखना है कि ओला क्या करती है। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक की तीन कमजोरी है। सबसे पहले तो ओला की सेल में अगस्त के महीने में गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही के अंत में ओला इलेक्ट्रिक की बाजार हिस्सेदारी 49% थी, जो अगस्त के आखिर में घटकर 31% रह गई। ओला की बिक्री अगस्त में 18,600 से घटकर 12,600 रह गई और इस खबर के बाद ओला इलेक्ट्रिक पर डेंट भी पड़ा था। दूसरी वजह की बात करें तो दूसरा कारण है TVS और बजाज ऑटो से मिल रही कड़ी टक्कर। जहां बात टू व्हीलर्स की आती है तो लोग बजाज और TVS पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि अभी टू व्हीलर सेगमेंट में, स्पेशली इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, इस कंपनियों को खासा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन TVS और बजाज की साख अच्छी है। ओला को TVS और बजाज से तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। जहां ओला की सेल घटी है, वहीं TVS और बजाज की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है और अगस्त महीने में TVS की हिस्सेदारी 20% और बजाज की हिस्सेदारी 19% रही। ये थी दूसरी कमजोरी। अब तीसरी कमजोरी पे आते हैं। तीसरी कमजोरी है ओला इलेक्ट्रिक के तिमाही नतीजे। इसके तिमाही नतीजे अच्छे नहीं रहे। तिमाही नतीजों की बात करें तो जून तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का घाटा बढ़ गया। हालांकि इसने इसकी जो रेवेन्यू में हमें उछाल देखने को मिला, लेकिन जून तिमाही में कंपनी का नेट लॉस भी बढ़ा। ये बढ़कर 347 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 267 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। ओला इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू सालाना आधार पर 32.3% बढ़कर 1644 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1243 करोड़ रुपए था। पिछले साल एबिट्टा में 218 करोड़ रुपए की गिरावट के मुकाबले इस साल एबिट्टा में 205 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये तीन कमजोरी है अभी फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक के सामने, और एनालिसिस का मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए इसे अवॉइड करना चाहिए, फोमो नहीं होना चाहिए निवेशकों के बीच, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये अच्छा है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है इस कंपनी में। अगर आपको शेयर बाजार में कोई भी निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।